देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। चोट लगी, हमें चलना चाहिए। तुम्हें लगी है शकुन? चल नहीं पा रही। नहीं सर, मैं चल सकती हूँ। देखा मैंने, नहीं चल पा रही हो तो। हम जाएंगे कहाँ? लड़की जो मेरे साथ खड़ी है, मेरी पत्नी। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं नैना को ठीक करने में शुभ सर की मदद करूंगी। मेरी ताई की तकलीफें कम नहीं थीं, लेकिन तुम्हारे आने से वो और बढ़ गई हैं, और मैं अपनी ताई को तकलीफ में नहीं देख सकता। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलिए, हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज दरवाजा खोलिए। जी कहिए। जी हमारा एक्सीडेंट हो गया है और इन्हें बहुत लगी, हमें आपकी हेल्प चाहिए सर। ये आपकी क्या लगती है? दरअसल ऐसे मैं किसी को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। पत्नी है नहीं। ठीक है बेटा, आओ अंदर, आओ अंदर आ जाओ। संभल कर, संभल कर। शुभ 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 का थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। ऐसी हालत में कपड़ा बदलना बहुत जरूरी, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। लेकिन कपड़े तो मेरे पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, ले आता हूं मैं। जुबने
मुझे वादा किया था कि वो मेरे पास हमेशा रहेंगे। कहाँ है शुभ? क्यों नहीं दिखाया तेरे? बता शुभ कहाँ है? वो नहीं आएंगे। वो नहीं आए क्या? ना। क्यों नहीं आएंगे? शुभ ने कहा था कि वो मेरे पास ही रहेंगे। बता बता ना शुभ कहाँ है? शुभ कहाँ है बोलो ना। शुभ शुभ करना बंद करो। तुम मेरे जिया जी की पत्नी नहीं, उनकी पत्नी सिर्फ मेरी ताई है और तुम्हारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, समझी? तुम शुप 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 लगा रखी है। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, दे दो इन्हें। थैंक यू सो मच। ये कपड़े पहन लो, मैं बाहर चला जाता हूं। शगुन, शगुन, शगुन। शुभ मेरे पति नहीं है, क्या बोला तूने? शुभ सिर्फ मेरे पति है, समझे? कैसे कहा तुमने? चुप, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते मैं तुम्हें। सिर्फ मेरे। तुम यहां नैना के कमरे में क्या कर रहे हो युग? तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूं बुआ, लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस लड़की की वजह से मेरी ताई सब सहन कर रही है, उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई है। और बिचारी मेरी ताई जिया जी की खुशी के लिए इस लड़की को ठीक करने में लगी हुई है और उनको उसकी कुछ नहीं पड़ी है। उसकी खुशी, जीना मरना, उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता बुआ जी। क्या करूं मैं? दाम का रिश्ता है हमारा, फिर किस हक से तुम्हारे कपड़े बदलूं? बुआ जी, आप मुझे बताइए क्या होगा मेरी ताई का? क्या जिया जी उनके पति नहीं है? हाँ बोलिए ना बुआ जी, चुप क्यों है बुआ जी, बोलिए ना।